आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ऐसी दो गोलियों या टैबलेट्स के बारे में जो आपकी बढ़ती उम्र को रोक सकती हैं, आपके बॉडी के फंक्शंस को ठीक करके, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके आपको यंग लुक देती हैं, आपकी स्किन के ग्लो को बढ़ा देती हैं और भी बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करती हैं। एक्चुअल में होता क्या है, हमारा जो आजकल लाइफ स्टाइल है या जिस तरीके की हम डाइट खाते हैं, जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं, उसके बाद हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे फ्री रेडिकल्स यानी कि ऑक्सीडेंट्स बन जाते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं। अब इससे आप बच तो सकते नहीं है। देखिए, सुबह उठते ही आप जो भी खाना पीना शुरू करते हैं, आप दूध पीते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, कुछ नहीं भरोसा कि किसमें क्या मिलावट है या किसमें कौन सा केमिकल छिड़का गया है। ऊपर से हमारा लाइफ स्टाइल सेडेंटरी है, हम ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, एक्सरसाइज करते नहीं है, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है। इसके कारण बहुत सारी शरीर के अंदर गंदगी इकट्ठी हो जाती है, आपके आंतों के अंदर बहुत सारे ऐसी गंद जमा हो जाती है जो बीमारियों का कारण बनती है। अब इस सबसे तो आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका लाइफ स्टाइल एक दिन में आप चेंज नहीं कर सकते या खाने पीने की आदत आप एक दिन में चेंज नहीं कर सकते। तो करे तो करे क्या, हमें जाना पड़ेगा नेचर के साथ। और यहीं पर मैं आपको ये दो बूटियां बताने वाला हूं जो आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई कर देंगी। एक्चुअल में हम जो दो गोलियों की बात कर रहे हैं, दो टैबलेट की बात कर रहे हैं, इनके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है होते हैं नीम और हल्दी, और जिसको आप घर पे बड़ी आसानी से बना सकते हैं, जिसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा कि इसको कैसे बनाते हैं और इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। पहले इसके फायदों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हल्दी और नीम दोनों का ही आयुर्वेदा और यूनानी में बहुत बड़ा नाम है। इसे बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है और बहुत सारी दवाइयों में इनका, नेचुरल दवाइयों में इनका इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये डिटॉक्सिफायर का काम करती हैं दोनों टैबलेट्स, तो ये आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इम्प्रूव करती हैं। जब आप ये लेना शुरू कर देते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्लीन होने लगता है, आपकी गट को ये क्लीन कर देती है, वहाँ से गंदगी को बाहर निकाल देती है, वहाँ पे जो बैड बैक्टीरिया है जो इनडाइजेशन का कारण बनते हैं उनको निकालती है और जो अच्छे बैक्टीरिया है उनको वहाँ पे ग्रो कराती है, जिससे आपका ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाता है। तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा तो आप बहुत सारी बीमारियों से खुद ब खुद ही बच जाएंगे। उसके अलावा इसके अंदर एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो ये बहुत सारे वायरसेस से, बहुत सारे बैक्टीरिया से, बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में आपकी मदद करती है, आपको इम्यूनिटी देती है, क्योंकि ये सेल्स को रिजनरेट करने में या रिपेयर करने में भी मदद करती है। और ये कहने में भी दो राय नहीं होगी कि ये आपको कैंसर से लड़ने में भी मदद करती है। हल्दी के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं और नीम के अंदर भी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो ये जोड़ों के दर्द में या बहुत सारे जो मस्कुलर पेन है उनमें भी आपकी हेल्प करती है, इन्फ्लामेशन को कम करके, अंदरूनी सूजन को कम करके बहुत सारे बॉडी पेन, बॉडी एक से, जॉइंट पेन से आपको हेल्प करता है, उनको रिकवर करने में, उनको रिलीव करने में आपकी मदद करता है। लीवर हमारा एक ऐसा ऑर्गन है कि जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो लीवर में जाके जमा होते हैं और वहीं से फिर वो एक्सक्रीट होते हैं, कुछ किडनी की तरफ चले जाते हैं, कुछ आपके मोशन के साथ निकल जाते हैं। मगर अगर लीवर के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लगे तो लीवर खुद कमज़ोर पड़ जाता है। तो ये लीवर के को भी डिटॉक्सिफाई करता है, लीवर की सेल्स को रीजनरेट करता है, लीवर पे अगर कोई इन्फ्लामेशन आ गया किसी डिजीज़ की वजह से उसको भी ये सब्साइड करता है, उसको कंट्रोल करता है, ओवरऑल लीवर की हेल्थ को ठीक करता है। तो अगर आप लीवर की हेल्थ ठीक हो जाती है, डाइजेशन ठीक हो जाता है और अगर आपको ये एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करती है तो सोचिए इससे आपको कितने बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये ब्लड प्योरीफायर के तौर पे भी काम करते हैं, इनका जो एक्शन है हल्दी और नीम का वो ब्लड प्योरीफायर का सबसे बड़ा एक्शन होता है, तो इसलिए जब आप लगातार आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन ग्लो करने लगती है, आपके चेहरे पर चमक आने लगती है और आपके बालों को भी गिरने से रोकती है, क्योंकि ये वहाँ पे न्यूट्रिशंस देती है जिससे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, बाल भी गिरना बंद हो जाते हैं। इन शॉर्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि ये आपका हेड टू टो सारे बॉडी फंक्शंस को इम्प्रूव करती है, क्योंकि अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, ब्लड प्योर हो जाता है, तो वैसे ही बहुत सारे डिजीजेस ठीक हो जाती हैं। तो ये तो इसके फायदे थे इन दो गोलियों के। अब बात करते हैं कि इसको आप बनाएंगे कैसे। बड़ा सिंपल है, आपको सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट लेने हैं। एक तो आपको नीम पत्ती का पाउडर लेना, सूखा पाउडर आपको अमेजन से मिल जाएगा, किसी भी आप पंसारी की दुकान से भी ले सकते हैं, और साथ में आपको हल्दी पाउडर लेना है। ध्यान रहे कि हल्दी पाउडर प्योर हो, अगर आप घर पे हल्दी पीस लेते हैं तो उससे तो बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आपको गोलियां बनानी है। गोलियां बनाने के लिए सिंपली आप एक गिलास का बाउल ले लीजिए,
उसमें पहले एक चम्मच नीम की पत्ती का पाउडर मिला डाल दीजिए और उसमें एक चम्मच करीब पानी डाल दीजिए। पानी कम ज्यादा हो सकता है कि ये पेस्ट की तरह हो जाए। अब आप इस पेस्ट को, जब ये गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा, तो इससे छोटी छोटी आप चने के दाने के आकार की गोलियां बना लीजिए और इनको आप रख दीजिए किसी पेपर पे या किसी साफ कपड़े पे कॉटन के फैला के रख दीजिए। इसी तरीके से आप हल्दी का एक चम्मच ले लीजिए, उसमें एक चम्मच पानी मिलाइए और इसी तरीके से उसका पेस्ट बना के छोटी छोटी चने के दाने के बराबर गोलियां बना के इनको भी फैला के रख दीजिए। अब इनको आपको छांव में सुखाना है 3 से 4 दिन। जब ये गोलियां सूख जाए तो इनको आप एक शीशे के बर्तन में बंद करके रख दीजिए। अब आपकी दवाई रेडी है, 2 गोलियां रेडी है जो आपको जवान रखेंगी और जो आपको बढ़ती उम्र को रोक देंगी। इनको इस्तेमाल कैसे करना है, आपको दोनों में से एक एक गोली लेना है सुबह और दोनों में से एक एक गोली लेना है शाम को। सुबह खाली पेट हल्के गुनगुने पानी से और रात को खाने के 1 घंटा पहले हल्के गुनगुने पानी से आप इनको लगातार इस्तेमाल करेंगे। 1 महीने इस्तेमाल करने के बाद ही आपको खुद इसके रिजल्ट्स मिलने लगेंगे कि आपके शरीर में स्फूर्ति आ गई है, चेहरे पे चमक आ गई है, ग्लो आने लगा है और आपके बाकी बॉडी फंक्शंस भी अच्छे से काम करने लगे हैं, आपका डाइजेशन इंप्रूव हो गया है। इसको आप लगातार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। आप इसको 6 महीने साल भर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में अगर आप मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज भी शुरू कर देते हैं तो ये लाजवाब कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से आज जरूर कुछ सीखा होगा और अगर वाकई आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको जानकारी भरी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना और लाइक करने के साथ साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन भी दबा लेना, सो दैट इस तरह के हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।